बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूनिक आर्ट क्लब। आज मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रही हूँ वो है हमारे घर में मौजूद शूज़ के जो बॉक्सेस होते हैं वो हम फेंक देते हैं, मैं आपको रिसाइकिल करना सिखाऊंगी कि उससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। उससे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं चाहती हूँ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, जैसे कि हम शू बॉक्स से बनाएंगे तो हमें शू बॉक्स के गत्ते चाहिए होंगे। ये देखें मेरे पास ये है मौजूद, आपके घर में जो भी हो आप वो यूज़ करें। इस पर हम पहले निशान लगाएंगे सर्किल का, पहले हम एक सर्किल बनाएंगे इसके ऊपर। साइकिल का निशान लगा लिया है हमने, अब इसको हम कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको हम कटिंग कर लेंगे सर्किल शेप में अच्छी तरह। ये देखिए मैंने सर्किल शेप में इसको कट कर लिया है। अब हम इस पे ना इसके साइड्स बनाएंगे। साइड्स के लिए मैंने दूसरा कवर ले लिया है ये ना। अब इसके साइड्स करेंगे हम ऐसे। इसको हम कटिंग कर देंगे, इसको भी स्ट्रेट करेंगे इसको हम। ये देखिए हमने साइड का कटिंग कर ली है इसका। अब देखिए हम इसमें अब इस तरह करके हम इसमें, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, इस तरह करके हम इसको हम चारों तरफ से ग्लू से पेस्ट कर देंगे अच्छी तरह। ग्लू की मदद से हम इसको पेस्ट करेंगे, ग्लू लगा लें अब अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह इस तरह पेस्ट कर रहे हैं और इसको पूरे साइकिल के साइड्स कवर हम इस तरह कवर करेंगे ग्लू की मदद से। ये देखिए हमने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह पेस्ट कर लिया। थोड़ा सा ये गीला है, अभी इसको ड्राई होने देते हैं हम, जब तक हम इसकी इसके ऊपर हम जो कवर लगाएंगे गिफ्ट रैप करेंगे। गिफ्ट रैप शीट है मेरे पास ये, जिस पे हम इसके साइड्स पे लगाएंगे इसको अच्छी तरह। इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं। इस पर हम पहले निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे हम। मैंने निशान लगा लिया है, इसको हम कटिंग करेंगे यहाँ से। स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल। जो हमारा कम पड़ेगा वो हम दूसरी शीट से इसके ऊपर कवर कर लेंगे। चलिए इसको हम कटिंग करते हैं जब तक हमारा ये ड्राई हो रहा है। ये देखिए मैंने ये काट लिया है, इसको हम इस तरह इस पर पेस्ट कर देंगे अच्छी तरह ग्लू की मदद से। इसको भी हम ग्लू की मदद से करेंगे, ग्लू लगाएंगे इसके कॉर्नर्स पे। अच्छी तरह हम ग्लू लगा के हम ये थोड़ा थोड़ा पेस्ट करते रहेंगे इसके ऊपर इस तरह करके। ये देखिए ये हम अच्छी तरह पेस्ट कर लेंगे। ये साइड्स हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि हमारे कवर अच्छी तरह फिनिशिंग से लग जाए।
हम इस पर और आगे की तरफ लगा देंगे लो। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया, हम इसके फोल्ड कर देंगे इसको भी अच्छी तरह अंदर से, जो इसके एक्स्ट्रा है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह गिफ्ट रैप लगा दिया इसके ऊपर। अब ये अंदर से हमारे ये अंदर भी इसके अंदर हम लगाएंगे। ये हमने कटिंग कर लिया, ये देखिए इस तरह ये अंदर से भी हमारा अच्छी तरह कवर हो जाएगा। पहले हम इसके नीचे का करेंगे, नीचे गिफ्ट रैप लगाएंगे इसके अच्छी तरह। इस पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह। ये वाला नीचे का सर्किल भी कट हो गया, इसको हम कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह। नीचे हम ग्लू लगाएंगे पहले इसके, फिर हम किस तरह अच्छी तरह हम ग्लू पेस्ट करेंगे पहले इसके ऊपर। खूब अच्छी तरह इसको हमने ग्लू लगा लिया इसके अंदर। ग्लू लगाने के बाद हम इसके अंदर जो हमने सर्किल काटा है वो हम इसमें पेस्ट कर देंगे। ये देखो देखिए अच्छी तरह हमने ये सर्किल इसमें पेस्ट कर दिया। इसको हल्का सा हम ड्राई होने देंगे, फिर हम इसके साइड्स कवर करेंगे। साइड्स कवर के लिए हमने पहले से हमने ये कटिंग कर रखा है, इसको हम ग्रिल की मदद से इसको भी हमने अच्छी तरह पेस्ट कर लेना। देखें इस तरह ये कितना खूबसूरत बन रहा है हमारा ये। अब आपके घर में शूज़ पे बॉक्सेस होंगे, उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उन पे इस तरह का बॉक्स बनाएं। ये बॉक्स रिसाइकिल कीजिए अपने घर की चीज़ें। पहले अच्छी तरह आप ये लगा लें गिरो। अब हम इस पर इस तरह पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते चले आएंगे इसी भी। देखिए देखिए थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। इस पे हम उसका वो बनाएंगे ऊपर का होल्डर।
कोई पतली सी इसके अंदर से हम निशान लगा कर इसका होल बना देंगे ऊपर का पकड़ने का बास्केट के। तो देखो इसको हम कटिंग कर लेंगे। और इस पर भी हम ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे इसका होल्डर बनाएंगे, इस पर हम गिफ्ट का रैपिंग कर लेंगे। ग्लू लगाकर हम इसको अच्छी तरह पेस कर देंगे, इस तरह फोल्ड करके। ये हमारा इसका आराम से ये देखो ग्लू लगाएंगे तो ये हमारा इसका यहाँ का रेडी हो जाएगा ऊपर का। चल हम इसको भी रेडी कर लेते हैं जब तक थोड़ा ड्राई हो रहा है ये। देखें ये हमने रेडी कर लिया इसकी, ये अच्छी तरह प्रेस कर लें। ये भी ज़रा भी गीला होगा, ड्राई नहीं हुआ होगा। इसको हम यहाँ पर इस तरह ना लगा देंगे। ये देखिए हमारी बास्केट रेडी है शू बॉक्स की। देखिए हमने कितना अच्छा रिसाइकिल करा है अपना बॉक्स, और बॉक्स फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह गीलू से लगा दूंगी, यहाँ पे इसके टिप्स पे लगा देंगे अच्छी तरह। इसको यहाँ प्रेस कर दें, इसी तरह हम दूसरा भी लगाएंगे। थोड़ा उसको प्रेस करके रखिएगा ताकि ये इजीली चिपक जाए। ये देखिए हमारी बास्केट रेडी हो गई है। अब आपको जिस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं डेकोरेट करें इसको। मैं इसको नेट से डेकोरेट करूँगी, मेरे घर में नेट मौजूद है, मैं नेट से को डेकोरेट करूँगी। ये रही नेट, इसको नेट से आप अच्छी तरह डेकोरेट कर लें। ये देखें इस पर थोड़ी सी नेट रख लेंगे हम इसको और स्टाइलिश बनाने के लिए। देखिए मैंने इस पर ऐसे नेट रख दिए, ज़्यादा वैसे नहीं रखिएगा। इसमें आपको जो भी रखनी है चॉकलेट्स वगैरह बिस्किट जो भी आपको रखना है वह इसमें रखें अच्छी तरह। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह इसमें रख दिया। अब मैं इसको नेट से कवर करूँगी। नेट हमने बीच में रखा है, अब इसको हम किस तरह बनाएंगे देखें। इसके जो चारों कोने होंगे उसको हम देखें, इसको हमने इजीली इस तरह लिया हमने इसके चारों कोनों को। ये हमारी बास्केट मैं इसमें रिबिन से बांध रही हूँ, गिरा रिबिन मेरे घर, इसको रिबिन से बांध लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए देखिए इसको रिबिन से मैं बांध रही हूँ। ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया।
इसको आराम निकाला। ये देखिए ये हमारी बास्केट रेडी हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी ये वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए कितना अच्छा लुक है। घर के शूज़ के डब्बे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इस तरह रिसाइकिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।